एक आदमी दारू के नशे में है या किस नशे में है या क्या हुआ है कोई गारंटी नहीं है। सांस इनका चल रहा है, पुलिस वाले बगल में है। हम लोग गाड़ी से गुजर रहे थे यहाँ से, तब हमें ये दिखे। और ये यहाँ पे कितने देर से सोए हुए हैं, क्या हुआ है, इंसानियत शर्मसार हो रही है। लगातार इधर से गाड़ी से लोग आ रहा है लगातार। अरे बिहार को बदलना है या देश को बदलना है तो पहले सबको बदलना होगा। मैं अभी गांधी सेतु से होके कहीं जा रहा था तो रास्ते में ये दिखे। मुझे लगा गाड़ी से कि इनका एक्सीडेंट हुआ होगा या डेथ कर गए होंगे, लेकिन इनका सांस चल रहा है, आप देख सकते हैं। और अगर यहाँ पे एम्बुलेंस बुला के इनको हॉस्पिटल में भेज दिया जाए तो शायद ये बच जाएंगे। एम्बुलेंस को कॉल कीजिए, अभी कॉल कीजिए, अभी जल्दी से। और आप लोग खड़े रहिए यहीं पे, एम्बुलेंस बुलाइए, जो पैसा होगा वो हम लोग देंगे। और चलिए थोड़ा सा थाना में थोड़ा सा बात, यहीं पे खड़े रहिए, एम्बुलेंस बुलाइए, इनको भेजिए हॉस्पिटल फटाक से। चलिए अब यहाँ पे मैं दिखाना चाहता हूँ कि ये आदमी सड़क पे गिरा हुआ है। और ये इतना कंजेस्टेड रोड है, कभी भी गाड़ी चढ़ सकता है उस आदमी के ऊपर, या क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है, प्रशासन को देखना चाहिए था, लोगों को भी देखना चाहिए था। जो बड़े बड़े गाड़ियों से लोग जा रहे हैं उन लोगों को भी देखना चाहिए था, क्योंकि सब मिलेंगे तब तो बिहार बदलेगा ना। अगर सब मिलकर प्रयास नहीं करेंगे तो कहाँ से बिहार बदलेगा। सड़क पे एक आदमी जो है गिरा पड़ा है, थाना से सिर्फ और सिर्फ 20 मीटर की दूरी पे। यहाँ पे अभी कौन इंचार्ज है सर? आप लोग सर गिरी रक्षक? अच्छा, होमगार्ड वाले सर, आ जाइए आ जाइए। हम लोग होमगार्ड वाले का बहुत सम्मान करते हैं, लेकिन एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ सर आपको। आइए थोड़ा सा मेरे साथ। यहाँ से 20 मीटर की दूरी पे ये गंगा ब्रिज थाना है ना। चलिए 20 मीटर की दूरी पे हम लोग कुछ दिखाना चाहते हैं, आ जाइए सर। सिर्फ 20 मीटर की दूरी पे इस प्रकार से बिहार नहीं बदलने वाला है, कहीं नहीं तो कहीं सबको प्रयास करना होगा। और मैं गाड़ी से जा रहा था अभी यहाँ से, तो मुझे ये आदमी दिखा और तब मैं आगे गाड़ी रोक के जो है फिर दोबारा आया हूँ। हालांकि मैं लेट हो रहा हूँ मुझे पता है, लेकिन उससे ज़्यादा ज़रूरी है एक जान बचाना। एक आदमी जो है दारू के नशे में गिरा हुआ है कि एक्सीडेंट हुआ है क्या हुआ है, सिर्फ आप लोगों के थाना से 20 मीटर की दूरी पे सड़क पे गिरा हुआ है, इसका व्यवस्था कौन करेगा, इसको हॉस्पिटल में कौन भेजेगा सर, ये बता दीजिए। मतलब पत्रकार लोग भेजेंगे, हम लोग भेजने का प्रयास कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं सर, थोड़ा सा आ जाइए इधर। नहीं सर, वो तो है ही है, हम लोग का तो ड्यूटी जैसे मैंने अभी 2 बजे से। अभी इनको क्या किया जाए, इसको तो हॉस्पिटल ले जाना होगा ना। कौन लेके जाएगा, कैसे लेके जाएगा? तो थाना प्रभारी को लेके थाना प्रभारी के ही समझ। अभी फोन कीजिए अभी मेरे सामने, अगर प्राइवेट एम्बुलेंस बुलाना है प्राइवेट एम्बुलेंस बुलाइए, पैसा मैं दूंगा। सरकारी एम्बुलेंस बुलाना है सरकारी एम्बुलेंस बुलाइए, लेकिन 15 मिनट के अंदर अंदर ये आदमी जो है हॉस्पिटल में पहुंचना चाहिए। बोलते हैं, बोल रहे हैं। नहीं नहीं, अभी मेरे सामने फोन कीजिए, यहीं से फोन कीजिए, क्योंकि जान बचाना जरूरी है। आप लोग फोन किए कि नहीं, किधर गए, क्या हुआ? यह बिहार है, यहाँ पे आधे घंटे में नहीं 24 घंटे में भी एम्बुलेंस नहीं आता है। फोन किया कि नहीं अभी एम्बुलेंस को? ये हुआ है। क्या बोल रहे हैं? वो बोल रहा है कि एड्रेस मांग रहा है कि कौन सा नजदीकी सड़क। गांधी ब्रिज थाना के पास आना है, उनको बोलिए गांधी ब्रिज थाना के पास अर्जेंट है। गांधी ब्रिज थाना के पास? गंगा ब्रिज के पास। ठीक है सर, जल्दी से जल्दी भेजिए सर, जल्दी से थाने में है हम लोग, बोल दीजिए कि भेजने के लिए थाने में हम लोग, जल्दी से जल्दी भेजिए सर। ठीक है सर, जल्द से जल्द नंबर को बंद कॉल किया जा रहा है। ठीक है सर, जल्दी से जल्दी भेजने का कृपा करें। आप लोग बात कीजिए, किधर गए? गृह रक्षा वाहिनी के लोग किधर चले गए, किधर चले गए? हाँ सर, जल्दी से बात कीजिए, जल्दी से थाना अब गाड़ी बुलवाइए। और गांधी ब्रिज पे अक्सर जो है एम्बुलेंस रहता है, एफकॉन कंपनी जो काम करा रही है उसकी एम्बुलेंस रहती है। और यहाँ पे हमेशा एम्बुलेंस के लिए पैसा भी सरकार देता है, एम्बुलेंस गायब कहाँ हो गया है? अभी एम्बुलेंस आना चाहिए, हॉस्पिटल में जाना चाहिए आदमी, अभी का अभी जाना चाहिए, कोई भी हो सकता है। अभी इनका सांस चल रहा है, मैं तो समझा था कि मर गए हैं, गाड़ी आगे रोका, यहाँ पे आया तो देखा कि इनका सांस चल रहा है, आप देख सकते हैं। और सबके सामने रोड पे सोए हुए हैं, बड़े बड़े गाड़ियों से बड़े बड़े नेता हर 10 मिनट में इस रास्ते से गुजरते हैं। गुजरते हैं कि नहीं गुजरते हैं? गुजरते हैं, फॉर्चुनर से, इनोवा से, बिल्कुल सर गुजरते हैं ना, नेता 10 मिनट में गुजरते हैं नहीं? जी जी जी, उन लोगों को भी नजर किया होगा। देखिए देखिए, बात कीजिए उनसे। बाबू बाबू उठा, उठा जाए देखा। ए बाबू उठाइए, उठाइए उनको। चलिए सर, अच्छा लगा आपसे मिलकर। उठाइए ना उनको, दारू के नशे में होंगे या कुछ तो होंगे। अब देखिए, अब बिहार में शराबबंदी का एक कहानी मैं दिखा रहा हूँ, पता नहीं क्या है। अब हॉस्पिटल में जाएंगे तब ना पता चलेगा कि दारू के नशे में है कि क्या है। और बीच सड़क पे पटाए हुए हैं, देख सकते हैं, ये चीज है। उठाइए, दिखाइए इनका चेहरा, दिखाइए चेहरा, दिखाइए
मुंह खोलिए तो इनका वहाँ टाइ तो चेहरा दिखाइए। एम्बुलेंस बुलाइए। क्या बोला वो एम्बुलेंस वाले ने? क्या बोला है कि भेजा जा रहा है। कितना मिनट हो गया कॉल किए हुए? लगभग 8-10 मिनट हो गया। 10 मिनट हो गया, ठीक है। देखते हैं कितना देर में एम्बुलेंस आता है और कितना देर में ये हॉस्पिटल जाते हैं, वो भी देखेंगे। और थाना में आप लोगों ने कॉल किया कि नहीं किया? हाँ, कॉल हो गया। अभी कोई पुलिस वाले नहीं आए यहाँ? तो सर ड्यूटी है यहाँ पर जो है से मोड़ पर जो है से ड्यूटी है दो आदमी का, लेकिन गलती इन लोग का है। जैसे का हालत में देखे ही लोग तो इन लोग का थाना का इन्फॉर्म करना चाहिए। यहाँ पर दो आदमी तो किधर, कौन से दो आदमी का ड्यूटी है यहाँ पे? यहाँ जो दो आदमी का ड्यूटी है मोड़ पर, तेरसिया मोड़ पर, वो आदमी को कुछ हालत में देखे थाना का इन्फॉर्म करना चाहिए जो ऐसा हालत में यह है तब ना थाना जानेंगे। अब जो है थाना के आदमी ड्यूटी किनका किनका है उसी को हम बुला रहे हैं। तो आदमी चलिए देखते हैं यहाँ पे ड्यूटी किनका किनका है, किनका किनका है ड्यूटी। आपका ड्यूटी कहाँ है सर? यहाँ पे 2 बजे से। कितने बजे? 2 बजे। अभी कितना बज रहा है देखिए ना, समय 2:45 हो रहा है। देख लीजिए आप भी, देखिए हो रहा है 2:45। और आपके आंखों के सामने जो है वो आदमी गिरा पड़ा है वहाँ पे। आपने इन्फॉर्म किया थाने को? हम तो अखनी 2 बजे 2 बजे, अभी 3 बज रहा है सर, 45 मिनट, 2:45 हो रहा है, 45 मिनट हो गया। 45 मिनट में आदमी जिंदा है, मर गया है, कुछ तो इन्फॉर्म करना चाहिए ना आपको। सर ऐसे बिहार नहीं बदलने वाला है, हम सबको प्रयास करना होगा, नहीं तो एक दिन आपका बच्चा वहाँ पे गिरा रहेगा, कौन बचाने आएगा? मैं कहीं और जा रहा था, मैं रास्ते में रुक के जो है, मैं प्राइवेट एम्बुलेंस हो या सरकारी एम्बुलेंस हो, जो मंगाना है मंगाइए, हम पैसा देंगे, लेकिन जान बचाना जरूरी है ना सर। आप यहाँ पे खड़े हैं, आपकी आंखों के सामने है सर, कैसे बिहार बदलेगा सर? हम तो 2 बजे अरे तो 45 मिनट हो गया सर, अब इधर देखिए ना सर, 2:45 हो रहा है सर। कहानी हुआ था, कैसे हुआ बताना चाहिए कि नहीं थाना पे? रोड में जो धूल उड़ता है इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है सर, इतना डस्ट उड़ता है गाड़ी चलती है। पहले उनको बचाया जाए उसके बाद से फिर 72 को मुद्दा पे बात किया जाएगा। बचाइए सर प्लीज, जो भी पैसा लगेगा हम देंगे, लेकिन हॉस्पिटल पहुँचो। क्या वहाँ ऊपर वाले के लोग के कहिए ना, यहाँ पे मैं आके बोल रहा हूँ तो ये बोल रहे हैं ऊपर बोलिए। अब मैं ऊपर जाऊंगा तो वो बोलेंगे मुख्यमंत्री को बोलिए, हम लोग किसको बोलेंगे, कैसा सिस्टम है? आप फोन क्यों नहीं कर सकते हैं थाना प्रभारी को, ये बताइए ना। वाले हैं, फोन लगा दीजिए, लगा दीजिए ना भाई, लगाइए ना, जान बचा पर तो जाकर के कहा है सर, तो आप गए ना थाना पर? हाँ। आप तो बोलिए दिए तो। हाँ है कोई थाना पे? मुंशी जी हैं? नहीं है, वहाँ पे जाकर ऑफिस में बोलिए। ये देखिए ये कहानी है बिहार का, और इसीलिए बिहार बदनाम और बर्बाद दोनों है। जबकि आंखों के सामने मैं बोल रहा हूँ तो लक्सी से घास जैसे टारा जाता है ना, वैसे टार रहे हैं, बोल रहे हैं कि आप जाके बोलिए ना, जबकि इनका काम है ये, जबकि इस महाशय का काम है ये कि उस आदमी को अगर कुछ भी होता है तो उसको बचाने की जिम्मेवारी इनकी है। एक्सीडेंट हो जाएगा तो उसको जाके बोलेंगे जाओ ना तुम थाना पे जाके बोल के आओ, कहाँ से जाएगा वो थाना पे बोले? जरा सोचिए। चलिए थाना, क्या किसको फ़ोन किया है? एम्बुलेंस वाले को फ़ोन किया। क्या बोल रहा है वो? वो बोल रहे हैं कि भेज रहे हैं लेकिन अभी तक आ नहीं रहा है। हेलो, यहाँ जो गांधी सेतु ख़त्म होता है ना हाजीपुर की तरफ में, हाँ यहाँ पर एक मतलब कोई गिरा हुआ है, मतलब सोया हुआ है, उसका सांस चल रहा है। अभी तक एम्बुलेंस के लिए हम पिछले 20-25 मिनट से कॉल कर रहे हैं लेकिन अभी तक नहीं पहुँच रही है। हाँ सब चीज़ बता चुके हैं, वैशाली ज़िला में जितेश कुमार। जहाँ से गांधी सेतु पटना से आने की तरफ में जहाँ खत्म होता है ना, एकदम वहीं पे पड़ा हुआ है। एम्बुलेंस नहीं आया है लेकिन टेम्पो आ गया है, और टेम्पू पे लाद के अभी इनको लेके जाया जाएगा हॉस्पिटल में। और सबसे बड़ी बात है कि सामने जो होमगार्ड के जवान खड़े थे उनको मदद करना चाहिए, वो मदद नहीं कर रहा है, उल्टा सीधा बोल रहे हैं। और देखिए अभी इनको लाद के लेके जाया जा रहा है। ये है बिहार का शराबबंदी का, ये देखिए अब हम लोग कुछ बोल नहीं सकते। अरे कुछ लोग लगिए ना, लगो ना यार, ऐसे आदमी हो तुम लोग, उठाओ। यही तो तुम लोगों का अभी, उठाइए उठाइए। देखिए एम्बुलेंस नहीं आया है, टेम्पू आया है, टेम्पू से लाद के लेके जाया जा रहा है। देख अच्छे से रखिए, जो आदमी बचने वाला होगा वो अभी आदमी टेम्पू में मर जाएगा, एम्बुलेंस नहीं आया बिहार में। देखिए और ये बगल में मैं दिखाऊंगा, यहाँ से 200 मीटर की दूरी पे दिखाऊंगा, हजारों एम्बुलेंस कबाड़ा में पड़ा हुआ है यहाँ पे, बगल में दिखाऊंगा मैं उसको भी दिखाऊंगा आज।
टेम्पू वेम्पू का भाड़ा कौन देगा? टेम्पू का भाड़ा कौन देगा? पता नहीं, आप कौन देंगे? दे दो। आप कौन है सर? हम कम्युनिटी पुलिस है। ओ, आप कम्युनिटी। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत हाथ मिलाइए सर, जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा मदद करते हैं, ऐसे ही मदद करते रहिए, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, ये है हमारे बिहार के बहादुर आदमी जो बोल रहे हैं कि भाड़ा हम देंगे और कम्युनिटी पुलिस है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, लेके जाइए। और क्या है क्या नहीं है वो रिपोर्ट कीजिएगा, बताइएगा कि दारू के नशे में थे या बीमार थे। बीपी भी हाई हो जाता है या लो हो जाता है तो आदमी गिर जाता है जी। तो आप बताइएगा जरूर। इनका नंबर ले लीजिए जितेश, हाँ, जांच के बाद आप बताइएगा। नंबर नंबर दे दीजिए। चलिए, नंबर ले लीजिए, इनका नंबर ले लीजिए। और अभी थोड़ी देर में हम लोग दिखाएंगे, स्वच्छ भारत मिशन है ये। और यहाँ से पत्रकार फोन कर रहे हैं, पुलिस वाले फोन कर रहे हैं, तभी भी एम्बुलेंस नहीं पहुँचा। तो बिहार में आम आदमी फोन करते होंगे तो कितना जल्दी एम्बुलेंस पहुँचता होगा, इसकी कल्पना आप लोग कर सकते हैं। मोबाइल बहुत बड़ा